गुड मॉर्निंग ऑल, हमारा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। आप मुझे directionlifescience@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेल करें, मैं उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर शेयर आवर चैनल। ओके, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग ऑल। लाइफ टेबल्स के बारे में हमने बात कर ली थी। लाइफ टेबल्स में हमने कुछ पैरामीटर पढ़े थे जिनके बारे में मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। ये लेज़ली मैट्रिक्सेस जो है, ये भी बेसिकली लाइफ टेबल से ही रिलेटेड हैं पॉपुलेशन में। तो लाइफ टेबल में हमने कुछ पैरामीटर है जिनको हमने पढ़ लिया था, उनके बारे में मैं एक बार बात कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कोई टेबल हमें दी हुई है, उस टेबल में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो 100, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 80, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 50, और यहाँ पर लिखा हुआ है एज क्लास। तो एज क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो 0 से 1, 1 से 2, 2 to 3। 3 एज क्लासेस आर गिवन हियर। 0 to 1 इज वन एज क्लास, 1 year to 2 year old इज सेकेंड एज क्लास, 2 year to 3 year olds 3rd एज क्लास। तो 3 एज क्लासेस आर गिवन हियर। एक वो जो 1 साल तक के हैं, दूसरी वो जिसमें 1 साल से बड़े लेकिन 2 साल तक के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, तीसरी वो जिसमें 2 साल से बड़े और 3 साल तक के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं। तो 3 एज क्लासेस हमें यहाँ पर दी हुई हैं। हर एज क्लास में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है कि फर्स्ट एज क्लास जो है उसमें 100 हैं, और उन 100 में से 20 जो है वो सेकेंड एज क्लास तक आते आते ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो 80 बचते हैं यहाँ पर। फिर उन 80 में से 30 की डेथ हो जाती है, तो 50 जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मॉर्टेलिटी जो है या डेथ है उसको मैं क्या कह सकता हूँ। तो मॉर्टेलिटी जो है वो यहाँ पर क्या हुई, 100 - 80 = 20। तो 20 की मॉर्टेलिटी है यहाँ पर। इसी तरह से अब मैं बात करूँ कि नेक्स्ट एज क्लास में 80 - 50 यानी कि 30 मॉर्टेलिटी हो रही है। फिर उससे आगे फिर मैं बात करता हूँ मॉर्टेलिटी रेट के बारे में, भी हमने बात की थी। मॉर्टेलिटी रेट को हमने क्यू एक्स से भी शो किया था, इसको हमने डी एक्स से भी शो किया था। तो डेथ रेट जो है वो डेथ रेट हमें क्या करना है, डी एक्स अपॉन जो सर्वाइव कर रहे हैं यानी कि 80। तो 20/80 अगर मैं करूँगा यहाँ पर, सॉरी 20/80 नहीं, जितने वो इंडिविजुअल्स थे ऑलरेडी 100 थे यहाँ पर, तो डेथ रेट जो है वो क्या हो जाएगी, 20/100 यानी कि 0.2, ये यहाँ पर डेथ रेट हो जाएगी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वाले पर मैं अगर डेथ रेट निकालता हूँ यहाँ पर, इसी तरह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है डेथ रेट को काउंट किया जा सकता है। ये हमने लाइफ टेबल में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने लाइफ टेबल में एक चीज़ और पढ़ी थी, और वो था कि हमारी जो सर्वाइवल रेट है, सर्वाइवल रेट को हमने एल एक्स करके लिखा था। एल एक्स हमने कहा था कि जितने इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं आउट ऑफ जो फर्स्ट था उसके अकॉर्डिंग। तो पहला जो है उससे नेक्स्ट अगर एज ग्रुप में जाते हैं, तो पहले वाले में तो मैं मान के चलता हूँ सर्वाइवल रेट जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0.8 आ जाएगी, क्योंकि 100 में से 80 सर्वाइव कर रहे हैं, तो 80/100 जो है वो क्या हो जाएगा, 0.8 सर्वाइवल रेट है। इसी तरह से 50/100 करेंगे तो 0.5 सर्वाइवल रेट हो जाएगी। इस तरह से सर्वाइवल रेट हम काउंट कर सकते हैं। सर्वाइवल रेट का मतलब कितने सर्वाइव कर रहे हैं नेक्स्ट जो लेवल है उस पर जाने तक। तो ये हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया था। इसी तरह से हमें वहाँ पर रिप्रोडक्टिव रेट भी जो है वो दी हुई रहती थी, कि या तो एम एक्स हमने उसको बोला था, या इसको कुछ बुक्स के अंदर सी एक्स भी कहा जाता है, एम एक्स या सी एक्स जो है, सी एक्स भी कहा जाता है।
कुछ बुक्स इसको CX भी कहती हैं। तो ये नेट सॉरी रिप्रोडक्टिव रेट या फेकंडिटी रेट हमें दी हुई हो सकती है, या मैं कह सकती इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है कि पर एज ग्रुप जो है कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है। कुछ क्वेश्चन में फर्टिलिटी रेट भी दी हुई हो सकती है। तो फर्टिलिटी रेट वैसे तो अलग होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ हमारे क्वेश्चन जो आते हैं उनके अंदर फर्टिलिटी रेट को ही MX या फर्टिलिटी रेट को ही फेकेंडिटी रेट काउंट कर लिया जाता है। हालांकि फर्टिलिटी रेट अलग होती है। फर्टिलिटी रेट का मतलब तो ये होगा कि कितने जो है एग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या कितने जायगोट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। लेकिन फेकेंडिटी रेट जो है एक्चुअल में फेकेंडिटी रेट का मतलब ये होता है कि जो जायगोट है वो लाइव ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और वो ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टिलाइजेशन करेंगे और नेक्स्ट लेवल पर जो है नेक्स्ट जनरेशन में अपना योगदान देंगे पॉपुलेशन को बढ़ाने में, तो उसको एक्चुअल फेकेंडिटी रेट कहा जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में फर्टिलिटी रेट भी दी रहती है, तो उसी को MX या फेकेंडिटी रेट या रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो मानकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये दी भी हो सकती है फेकेंडिटी रेट या फर्टिलिटी रेट, या हमें कि कितने लाइव ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फीमेल के द्वारा, एवरेज लाइव ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये दिया हुआ हो सकता है। तो ये हमने लाइफ टेबल के अंदर जो है ये हमने बातें कर ली थी। अब उसी से रिलेटेड है यहाँ पर थोड़ा सा, कई बार कुछ कैलकुलेशन लाइफ टेबल के द्वारा जब की जाती है डायरेक्ट तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उनमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो वहाँ पर लीजली मैट्रिक्सेस जो है उनको काम में लिया जाता है। साइंटिस्ट एक लीजली बायोलॉजिस्ट थे बेसिकली, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1948 के आसपास। और ये लीजली जो है मैट्रिक्सेस ये क्या काम आती हैं, तो इसके बाद ये बेसिकली हमें दो चीज़ें देती दी जाती हैं इसके अंदर। एक तो इसके अंदर दी जाती है फेकेंडिटी रेट, और दूसरा इसके अंदर जो है वो दिया हुआ रहता है सर्वाइवल रेट। तो सर्वाइवल रेट और फेकेंडिटी रेट इसके अंदर दी हुई रहती है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर एज क्लास जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो ये डाटा गिवन रहता है और इसी डाटा के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। इस बार जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था CSIR नेट का, तो दो पेपर हुए थे, जो आसाम जो था स्टेट वहाँ पर अलग से दोबारा पेपर हुआ था बाद में। तो उस पेपर के अंदर लीजली मैट्रिक्स पर क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए हम ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करेंगे आज। तो लीजली मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ, ये वही वापस से यहाँ पर लिया हुआ लिखा हुआ है कि इस तरह से लीजली मैट्रिक्स जो है वो बनाकर लिखी रहती है। ये जो यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस तरह लीजली मैट्रिक्स बनाकर दी रहती है। इनके अंदर ये जो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट रो जो है उसके अंदर दिया हुआ रहता है फर्टिलिटी रेट, या अभी मैंने बात की थी फेकेंडिटी रेट जो है वो यहाँ पर दी रहती है, या रिप्रोडक्टिव रेट एवरेज रिप्रोडक्टिव रेट पर एज क्लास जो है वो यहाँ पर दी रहती है। फिर इसके अंदर डायगोनल के अंदर इस तरह से तिरछा जो है ये दिया हुआ रहता है सर्वाइवल रेट, हर एज क्लास का जो सर्वाइवल रेट है वो यहाँ पर दिया रहता है। इसका मतलब ये जो है ये फर्स्ट एज क्लास है, फिर ये सेकंड एज क्लास है, फिर ये थर्ड एज क्लास है, फिर ये फोर्थ एज क्लास है, और ये फिफ्थ एज क्लास है। तो यहाँ पर ये जो 0, F1, F3, F4, F5 इस तरह से जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारा जो MX की वैल्यू दी रहती है, ये वही MX की वैल्यू है यहाँ पर। और फिर ये जो P1, P2, P3, P4, P5 लिखा हुआ है, ये हमारी LX की वैल्यू है, यानी कि एज क्लास 1 के लिए जो L की वैल्यू है वो है P1, एज क्लास 2 के लिए जो L की वैल्यू है हमने वहाँ पर LX ये कॉलम बनाया था लाइफ टेबल के अंदर। तो वो LX जो है वो ये जो P1, P2, P3, P4 ये है, ये LX की वैल्यू को शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से लीजली मैट्रिक्स को रीड किया जाएगा। सबसे पहली बात तो लीजली मैट्रिक्स को रीड कैसे किया जाएगा, तो वो हमने अभी यहाँ पर देखा है कि लीजली मैट्रिक्स को रीड कैसे किया जाएगा, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता हो, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता है तो फिर हम क्वेश्चन ही समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि लीजली मैट्रिक्स को कैसे पढ़ा जाएगा। अब हम वो प्रश्न देखते हैं
जो कि नेट के एग्जाम में आया था दिसंबर वाले में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज अ पॉपुलेशन हैज़ थ्री एज क्लास, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो पॉपुलेशन है उसमें थ्री एज क्लास है। मैं मान लेता हूँ, मान लो ये फर्स्ट एज क्लास, ये सेकंड एज क्लास और ये थर्ड एज क्लास, तो तीन एज क्लास है यहाँ पर। थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ इसको कि तीन एज क्लास हैं और ये तीन एज क्लास जो हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि थ्री एज क्लास है। फॉर एग्जांपल मान लो उसी तरह से लिख लेते हैं कि ज़ीरो से वन, फिर वन से टू, फिर टू से थ्री, इस तरह से तीन एज क्लास हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मान लो फर्स्ट एज क्लास है, ये सेकेंड एज क्लास है और ये थर्ड एज क्लास है। सपोज अ पॉपुलेशन हैज़ थ्री एज क्लासेज, फीमेल्स इन द सेकेंड एंड थर्ड एज क्लासेज प्रोड्यूस फोर एंड थ्री ऑफ स्प्रिंग। फोर एंड थ्री ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही हैं, इसका मतलब ये क्या हुई हमारी, ये हमारी एम एक्स की वैल्यू हो गई है कि एम एक्स जो है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, पहली एज क्लास में जीरो, दूसरी एज क्लास में फोर और तीसरी एज क्लास में थ्री। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये जीरो, फोर एंड थ्री। फिर इसमें नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, वाइल 50% ऑफ फीमेल इन फर्स्ट एज क्लास सर्वाइव इनटू सेकंड एज क्लास एंड ओनली 30% फीमेल्स सर्वाइव इनटू थर्ड एज क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर सर्वाइवल रेट, तो ये सर्वाइवल रेट 50% का मतलब 0.5, ये रहा यहाँ पर सर्वाइवल, एल की वैल्यू दी हुई है हमें, ये 0.3, 30 सर्वाइव कर रही है 30%, तो 0.3 हो गया यहाँ पर सर्वाइवल रेट। फिर नेक्स्ट एज क्लास में जो है वो जीरो रह जाती है, तो ये हमें यहाँ पर सर्वाइवल रेट दी हुई है। तो सर्वाइवल रेट का मतलब क्या हुआ, सर्वाइवल रेट का मतलब हमें दिया हुआ है एल एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 पहले वाले में, फिर उसके बाद 0.3, फिर हम मान लेते हैं ज़ीरो। इस तरह से यहाँ पर हमें ये सर्वाइवल रेट जो है वो हमें यहाँ पर दे रखी है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इफ़ देर आर 10 इंडिविजुअल्स इन ईच एज क्लास, इफ़ देर आर 10 इंडिविजुअल्स इन ईच एज क्लास, इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या दे दिया है कि जो x की वैल्यू है पर एज क्लास वो कितनी है, वो है यहाँ पर 10। तो पर एज क्लास 10 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन नेक्स्ट ईयर वुड बी, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या होंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर मैं डायरेक्ट वो लाइफ टेबल वाले से शो क्वेश्चन को सॉल्व करता, तो लाइफ टेबल से अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले तो कि जितने भी जो लाइव इंडिविजुअल हैं सर्वाइवल रेट जो है उस सर्वाइवल रेट को मैं एम एक्स से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास कुछ वैल्यू आती और उससे मुझे ये पता लगता कि भाई ये कितने ऑफस्प्रिंग जो हैं ये प्रोड्यूस करेंगे, ये मुझे पता लगता। फिर मैं हर एक इंटरवल टोटल न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं उनको मैं निकालता और फिर टोटल न्यू इंडिविजुअल्स को निकालने के बाद मैं क्या करता, हर एज क्लास पर जितने जिंदा बच गए हैं उनको मैं उसमें ऐड करता, यही करता। तो वही चीज़ यहाँ पर भी की जा रही है। सिंपल साइज में क्या रूल लगाना है कि ये दो मैट्रिक्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सिंपल सा रूल रहेगा कि ये जो हर रो को दूसरे जो टेबल है उसकी रो से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा कि इसको मैं अगर पहले करूँगा तो 10 मल्टीप्लाई 0, 10 मल्टीप्लाई 4, 10 मल्टीप्लाई 3 और इन सब को ऐड कर दूंगा, तो 10 मल्टीप्लाई 0 कितना आएगा 0, 10 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 40, 10 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 30, तो इन सब को मैंने कर दिया ऐड, तो कितना बचा यहाँ पर 0 और ये 7 यानी कि 70। तो ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू मुझे शो कर रही है कि कितने नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस पॉपुलेशन में एंटर हुए हैं, कि भाई यहाँ पर ये 10 इंडिविजुअल थे और
ये जो है फर्स्ट एज क्लास के हैं, और फर्स्ट एज क्लास जो है उसमें रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो ज़ीरो है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव एज से छोटे हैं, ये जो है नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो इनका कोई योगदान नहीं होगा नए इंडिविजुअल्स बनाने में। तो 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0। फिर अब यहाँ पर नेक्स्ट, ये जो सेकंड एज क्लास वाले हैं इनकी जो फेकेंडिटी रेट है वो है 4, फेकेंडिटी रेट 4 है, इसका मतलब 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हर एक इंडिविजुअल 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो 10 इंडिविजुअल कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 40, तो यहाँ पर 40 आ गया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो थर्ड एज क्लास है उसमें इंडिविजुअल है 3 और रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो है 3, इसका मतलब एक इंडिविजुअल 3 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो 10 इंडिविजुअल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे, 30, तो 30 प्रोड्यूस करें इन्होंने। तो टोटल जो नए इंडिविजुअल्स आए उनमें फर्स्ट एज क्लास का योगदान 0, सेकंड एज क्लास का 40, थर्ड एज क्लास का 30, तो टोटल कितने आए नए इंडिविजुअल, 70। तो टोटल न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो न्यू इंडिविजुअल वो है 70। ये तो हमने पता कर लिया कि कितने नए आए, अब हमें टोटल इंडिविजुअल्स काउंट करने हैं, तो जो नए आए वो तो हमने अलग रख लिए, और अब जो पुराने थे वो नई एज क्लास तक जाते जाते कितने जिंदा बचे उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट एज क्लास में 10 इंडिविजुअल्स थे और जो इनकी जो रेट है सर्वाइवल की वो है 0.5, इसका मतलब 50% सर्वाइव हुए और वो नेक्स्ट एज क्लास में पहुंच गए। तो कुल मिलाकर वापस से मुझे वही करना है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ओवरऑल कितना आएगा, 5 आएगा, तो मैं उस 5 को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब फिर यही प्रोसेस मैं थर्ड वाली रो के लिए अप्लाई करता हूँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 3, तो ये आया है मेरे पास टोटल आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 10 में से जो आगे जाएंगे वो होंगे 5, इन 10 में से जो आगे वाले एज क्लास में जाएंगे वो होंगे 3, और ये जो 10 हैं लास्ट वाले ये आगे मर जाएंगे कम्प्लीटली। तो इसका मतलब 5 जो फर्स्ट एज क्लास से नेक्स्ट एज क्लास तक जाते हुए बचे, 3 जो सेकंड एज क्लास से थर्ड एज क्लास तक जाते हुए लाइव बच गए, और टोटल बचे 8, और जो न्यू आए वो है 70, तो 70 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 78, तो ये 78 जो है ये इस प्रश्न का उत्तर था वहाँ पर दिया हुआ। तो इस तरह से लेज़ली मैट्रिक्स पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह उसको सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल था, और मेरे ख्याल से अगर प्रैक्टिस की हुई है तो ये क्वेश्चन मुश्किल से एक मिनट का समय लेता है मुश्किल से। तो इतना सिंपल क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा और समय लेता है कम, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना, एक बार कर लेना, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अब इकोलॉजी और इवोल्यूशन से रिलेटेड जो पिछले 8 या 10 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी अपन सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू। कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, मुझे क्वेश्चंस सेंड करो, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।